नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़िले की तरफ से एक ज्वाइनिंग अपडेट आप लोगों को बताना चाहूँगा और काफ़ी एक अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा। जो लोग अक्सर पूछते हैं कि वेबसाइट पे सर ये अपलोडेड नहीं है, आपको कहाँ से मिल जाता है, तो ये आज आपको बता देते हैं कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जो लगातार कुछ दिनों से ज्वाइनिंग हो रही है फ्रेंड्स, तो जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होती है उनको बाई पर्सनली मेल कर दिया जाता है और लेटर उनको मिल जाता है, तो इसीलिए आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिल रहा है ये। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग अपडेट है ये अभी सामने निकल के आया, तो आप लोगों को बता दें कि लगातार पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भी ज्वाइनिंग हो रही है। तो यहाँ पे 6 लड़कों का नाम आप देख रहे होंगे, गौतम कुमार सिंह से लेकर के यहाँ पे रत्नेश कुमार का। तो विभाग कौन सा है ये बता दें कि समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 796 दिनांक 22/5/2019 के निर्देश के आलोक में NSP के MIS एवं अन्य डाटा संधारण हेतु 6 प्रखंडों में कार्यपालक सहायक की नितांत आवश्यकता है। जिला स्थापना उपसमहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी का पत्रांक 66 दिनांक 27/5/2020 द्वारा जिले के कार्यपालक सहायक के पैनल के कुल 6 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त सूची के आलोक में कार्यपालक सहायकों को उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड में निम्न प्राप्त सूची पद स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग मिला है और लगातार मिलता आ रहा है, तो थोड़ा सा सुकून बना हुआ है कार्यपालक सहायकों के बीच। लेकिन साथ ही में जो आपके अदर मित्रगण हैं बेल्ट्रॉन वाले, उन लोगों के लिए आपको, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अच्छा विश करें, आप लोग गलत वो मत निकालें कि फेक है, ये है, चोर है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी के ज्वाइनिंग के साथ तो आप लोग को ही पता है कितना भावनाओं के साथ जुड़ा होता है आदमी का नौकरी। तो उसके बाद आपको ये बताया था मैंने कि कंप्यूटर का डिटेल, आपको कैसा लैपटॉप लेना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेगी, CPU, चिपसेट, मेमोरी, ये सब। उसके बाद इधर आपको क्या ले जाना है, क्या होना चाहिए, ये डिटेल है, और इसका जो कैसा होना चाहिए वो इधर है। तो यहाँ पे CPU आपको i3 दिया हुआ है, i3 प्रोसेसर होता है, चिपसेट मतलब इंटेल कंपनी का होना चाहिए, दूसरी कंपनी भी चिपसेट बनाती है। मेमोरी आपका जो 4GB है वो रैम की यहाँ पे बात कर रही है फ्रेंड, जो आपके लैपटॉप में रैम होता है वो मिनिमम 4GB का होना चाहिए। और आपका जो हार्ड डिस्क है, जो जहाँ पे आप सब कुछ सेव करते हैं अपने लैपटॉप में, वो 500GB का कम से कम होना चाहिए। मॉनिटर LED होना चाहिए और हायर LED ही आता है फ्रेंड्स, उसके लिए घबराइए नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका विंडोज़ 7 अब तो आता भी नहीं है, अब आपको अगर पहले से डला हुआ विंडोज़ 10 ही मिलेगा। पहले से जिनके पास है विंडोज़ 7 होगा तो वो अपग्रेड करके 10 कर सकते हैं, ताकि उसमें जो अपडेट्स होते हैं वो आते रहते हैं और बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है वो पुराने वाले विंडोज़ पे नहीं चलता है, तो आपको अपडेट कर लेना ही चाहिए। उसके बाद एडिशनल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, तो ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑफिस 2010, इसके अंदर एक पैकेट आता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पैकेज होता है ये। ब्राउज़र आपका ये गूगल क्रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस, जो माउस आता है अब सारा ऑप्टिकल ही होता है। और उसके बाद आपको ऑप्टिकल कीबोर्ड आपको लेना पड़ेगा ऑप्टिकल, और ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर का मतलब होता है फ्रेंड्स वो डस्ट वाला प्रिंटर, एक होता है ना इंक वाला और एक होता है डस्ट वाला, तो डस्ट वाला प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा, टोनर कार्टिज उसमें जिसमें लगता है। और उसके बाद एक और जो है आपका स्पीड है 1 MBPS, तो ये मायने नहीं रखता है, आपको ऑफिस में मिल जाएगी। तो नियोजन का जो शर्त है वो 3 माह वाला है, यहाँ पे एक बार और आप देख लें कि 3 माह के नियोजन अवधि में इस अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित उपरोक्त कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दक्षता परीक्षा का स्तर बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार होगा। तो आप लोगों को लगातार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करें, जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है या फिर जिनकी होने वाली है, जो भी लोग बचे हुए हैं अपनी तैयारी को बिल्कुल कम ना करें, टाइपिंग लगातार करते रहें, क्योंकि थोड़ा सा समय तो मिला है आप लोगों को, 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है जो एग्ज़ाम डेट है अगर कोरोना की स्थिति बरकरार रही तो, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहें। तो आप लोग को यही अपडेट देना था और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को,
ताकि आपको समय समय पे बिल्कुल सही अपडेट्स मेरे द्वारा प्राप्त होती रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, धन्यवाद।